नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एक लंबे इंतजार के बाद बिहार में नीतीश कुमार की नई एनडीए वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। कल शाम तमाम नए मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली, तो उसके बाद इंतजार हो रहा था कि आखिर कौन से मंत्रियों को किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और ये काम भी आज पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि आज करीब 3 बजे से इलेक्शन कमीशन की प्रेस वार्ता होने वाली है, जिसके बाद देश में आचार संहिता भी लागू कर दिया जाएगा। उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार भी कर लिया गया और आज तमाम मंत्रियों को उनका विभाग भी सौंप दिया गया है। आपको हम बताएंगे किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है विस्तार से इस रिपोर्ट में। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन जैसे विभाग मिले हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, वाणिज्य और कर का मंत्रालय दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण, खनन और भूतत्व, कला संस्कृति और युवा विभाग मिला है, तो वहीं विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य का जिम्मेदारी सौंपा गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग सौंपा गया है। मंत्री प्रेम कुमार को सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला, तो वहीं मंत्री श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। मंत्री संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री सुमित कुमार सिंह को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा का विभाग सौंपा गया है। मंत्री रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया, तो वहीं मंत्री मंगल पांडे को स्वास्थ्य और कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री नीरज कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मंत्री अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य, मंत्री लेशी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, तो मंत्री मदन सैनी को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। मंत्री नीतीश मिश्रा को उद्योग और पर्यटन जैसे विभाग दिए गए हैं, तो वहीं मंत्री नितिन नवीन को नगर विकास एवं आवास के साथ साथ विधि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार, तो मंत्री महेश्वर हजारी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दिए गए। मंत्री शीला कुमारी को परिवहन, तो मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली। मंत्री जनक राम को अनुसूचित जाति एवं जनजाति, तो जनजाति कल्याण विभाग दिए गए। मंत्री हरि सैनी को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वही कृष्णानंदन पासवान को गन्ना उद्योग, जयंत राज को भवन निर्माण, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण, मंत्री रत्नेश सदा को मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को पंचायती राज, मंत्री सुरेंद्र मेहता को खेल, तो वहीं मंत्री संतोष कुमार सिंह को श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। तो आपको बता दें, आचार संहिता देश में लागू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया, साथ ही तमाम मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा है वो भी कर लिया गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कल शाम जो तमाम नए मंत्री बने उन्होंने राजभवन जाकर मंत्री पद की शपथ ली, तो आज एनडीए की बैठक बुलाई गई थी बिहार में, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश तो दिए ही, लेकिन उसके बाद जो तमाम मंत्री हैं उन्हें कौन से विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इसका फैसला भी कर लिया गया। कौन से तमाम मंत्रियों को किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।